الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं हाना और ये है मेरा चैनल हिजाबी हाना. तो होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. तो आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप स्कार्फ से निकाब और हिजाब बना सकते हैं. जी हाँ, हम स्टॉलर नहीं यूज़ करेंगे, शला नहीं यूज़ करेंगे. हम आज पुराने ज़माने में जो हम पहले ट्राइंगल हिजाब्स पहना करते थे जिनको हम स्कार्फ कहते थे, उससे मैं आपको हेड कवर करना भी सिखाऊंगी और निकाब भी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, लेट्स गो. जी तो सबसे पहले तो आपने अपना अंडर स्कार्फ पहन लिया. इसमें आपने निकाब पहनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप अपने स्कार्फ से ही निकाब बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अपना स्कार्फ ले लीजिए. ठीक है, उसको आपने ट्राइंगल करना है. ठीक है, आपने उसको ट्रायंगल कर लिया है. ट्रायंगल करने के बाद आप उसको ले जाके चिन के नीचे से पिनअप करेंगे. ये आपने यहाँ पर इसको, जी चिन के नीचे आपने इसको पिनअप कर लिया है. ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे अच्छी तरीके से. ठीक है, अब इसके बाद आपने ये वाला जो पार्ट है फिलहाल, तो इसको हम बैक पे ले जाएंगे. और ये वाला जो पार्ट है हमारा, क्योंकि मेरा जो स्कार्फ है वो बहुत ज़्यादा विड्थ और लेंथ में बड़ा है, तो इस वजह से जो है वो मुझे ज़्यादा जो है समेटना पड़ रहा है इसको. अदरवाइज जो नॉर्मल हमारा स्कार्फ होता है उसमें और भी बहुत खूबसूरत लगता है. ठीक है, तो आपने ये वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड किया. ठीक है, यहाँ हल्का सा, और ले जाके आपने यहाँ पर पिनअप कर लिया. यहाँ हमने पिन अप कर लिया. अब आप चाहे सेफ्टी पिन यूज़ करें या पिन यूज़ करें या कोई भी चीज़ आप यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें. ठीक है, तो ये एक राउंड सा आपको एक लुक दे देगा. ठीक है, उसके बाद अब हम ये वाला पार्ट जो है हमारा वो हम आगे लेकर आएंगे. ठीक है, अब इस पार्ट को हमने यहाँ पर इस तरह से लेके जाना है और बराबर करना है. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे करना है, बहुत मटेरियल यहाँ लेके जाना है या बहुत मटेरियल यहाँ लेके जाना है. नहीं, हमने इसको मिडिल में अपने नोज पे रखना है. जितना मटेरियल इधर है उतना मटेरियल इधर भी है, लेकिन क्योंकि इसका स्टाइल कुछ ऐसा है इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा. ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको यहाँ पर ले गए हैं. अब यहाँ पर आपका आता है मेन काम. ठीक है, अब आपके पास ये जो मटेरियल है ये वाला, इसको आपने करना है इस तरीके से फोल्ड. ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है. फोल्ड करने के बाद आपने इसको हिजाब के अंदर टक इन कर लेना है. स्कार्फ के अंदर आपने इसको टक इन कर लेना है. अब आप जो है वो अंदर से इसको हाथ ले जाके आपने ये जो टक इन वाला पार्ट है इसको आप खींचेंगे. ठीक है, इसको ये जो टक इन वाला पार्ट है आपका मटेरियल, आप इसको थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे. ठीक है, आपने इसको खींच लिया है. ठीक है, अच्छी तरीके से अब इसको आप यहाँ पर थोड़ी सी नीट लुक देंगे ताकि क्लीन सी लुक आएगी यहाँ पर आपकी. ठीक है, ये देखें. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है आपने अगेन इसको इस तरीके से ही फोल्ड करना है जैसे हमने उसको किया था फोल्ड. ठीक है, इस तरीके से सारा फोल्ड करने के बाद हमने अपने स्कार्फ के अंदर इसको यहाँ पर टक इन करना है. ठीक है, उसके बाद हम अंदर से हाथ ले जाके इसको इस तरीके से पुल कर लेंगे सारा. ठीक है, सिर्फ जितना मटेरियल हमने डाला है वही पुल कीजिएगा, ज़्यादा पुल करने से यहाँ का मटेरियल भी खिंच जाएगा. ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से पुल कर लिया है. ठीक है, पुल करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको नीट लुक देनी है. ठीक है, अब मैं अपना अंदर का जो मैंने निकाब पहना था मैं उसको थोड़ा सा नीचे खींच लेती हूँ. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको भी आपने यहाँ से अच्छी तरह से एडजस्ट करना है. ओके, एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर पिनअप करेंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. ये बहुत लाइट वेट है, लॉन्ग आवर्स तक आप इसको पहन सकते हैं. इसमें आपके नाक में और सर में दर्द नहीं होगा जो कि हमारा अक्सर हाफ निकाब से हो जाता है. ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर अब नाउ यही चीज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ ले जाके आपने इसको अच्छी तरीके से पिनअप करके सिक्योर कर लिया है. ठीक है, अब हम यहाँ से इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करेंगे. ठीक है, देखिए कितनी नीट सी लुक आ रही है आपकी, यहाँ पर सिक्योर भी हो गया है. ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर यूं करके एडजस्ट करेंगे. हम इसको एडजस्ट करेंगे. सो दैट्स इट, हो गया आपके स्कार्फ से निकाब
और आपका हेड कवर बिल्कुल नए स्टाइल के साथ और बहुत कवरेज है इसमें, आप देख सकते हैं। इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है, बहुत नीट आती है, और वो सिस्टर्स जिनके पास टॉलर्स वगैरह नहीं है और अभी तक अपने स्कार्फ को यूज कर सकती हैं, करती हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है आप उसी से निकाब करने का और हेड कवर करने का। आजकल आपको पता है कि स्कार्फ आर बैक इन फैशन, जी हाँ, तो अपने अपने पुराने पुराने स्कार्फ निकाल लिए, उनको रिटेलाइज करना स्टार्ट कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आना हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल हिजाबी हाना को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप दुनिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं, और प्लीज ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चलें और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएं। लीविंग यू विद अ पॉजिटिव नोट, अपना बहुत ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं सलाम।